वेलकम बैक माई डियर स्टूडेंट्स एंड टुडे वंस अगेन वी आर गोइंग टू रीड द सेम लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे आज हम. एवरी थिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन. टिल हियर वी हैव कवर्ड. यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था थर्ड पैराग्राफ. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवलिन हार नहीं मानने वाली थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. वह एक सामान्य जीवन जीने के लिए संकल्प कर चुकी थी. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. और संगीत में अपनी रुचि का पीछा करने के लिए दृढ़ निश्चय ले चुकी थी या कर चुकी थी. वन डे सी नोटिस दैट वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन. एक दिन उसने किसी लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देख लिया. जाइलोफोन क्या होता है? जाइलोफोन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ. एक वाद्यंत्र होता है. तो एक दिन उसने किसी लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देख लिया. एंड डिसाइडेड दैट सी वॉन्टेड टू प्ले इट टू. और उसने निर्णय किया कि भाभी उसे बजाना चाहती थी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर. ज़्यादातर अध्यापकों ने उसे हतोत्साहित किया. बट परक्यूशनिस्ट रोन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. लेकिन परक्यूशनिस्ट रोन फॉब्स लेकिन तबला वादक या ढोल वादक रैन फॉब्स ने उसके उसकी क्षमताओं को देख लिया. हर पोटेंशियल हर मीन्स उसके पोटेंशियल मान क्षमताओं को स्पॉटेड मीन्स देख लिया. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उन्होंने दो बड़े नगाड़ों में डिफरेंट नोट्स माने दो अलग अलग सुर को बजाना शुरू किया. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से. वे कहा करते थे कि अपने कानों से मत सुनो. Try to sense it some other way. बल्कि किसी अन्य तरीके से इसे महसूस करने का प्रयास करो. सेज एवलिन. एवलिन बताती हैं, Suddenly I realized I could feel the high drum from the waist up and the lower one from the waist down. अचानक मैंने महसूस किया कि मैं feel the high drum from the waist up. कमर के ऊपर से और कमर के नीचे होने से मैं उस नगाड़े की ध्वनि को महसूस कर पाती थी. फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. फॉब्स उस एक्सरसाइज को रिपीटेड बार बार दोहराते थे. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. शीघ्र ही एवलिन को पता चल गया कि वह अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से कुछ निश्चित धुनों का आभास कर सकती थी. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड. मैं अपना दिमाग खोलना सीख चुकी थी. एंड बॉडी और शरीर को टू साउंड द वाइब्रेशंस माने धुन और कंपन को महसूस करने के लिए. द रेस्ट वॉज सियर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क. और शेष दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम था. सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. इसके बाद तो उसने कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा. सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा. वह एक नवयुवक लोगों से बनी ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ यूनाइटेड किंगडम का टूर किया. एंड बाय द टाइम सी वाज 16 और उस समय वह 16 वर्ष की थी. सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय लिया. And auditioned for the Royal Academy of Music. और Royal Academy of Music में audition देने के audition दिया. And score one of the highest marks in the history of academic. और academic इतिहास में उसने सबसे अधिक अंक लाए. She gradually moved from orchestra work to solo performances. वह धीरे धीरे orchestra से solo performance की ओर बढ़ गई.
एट द एंड ऑफ हर थ्री ईयर कोर्स, अपने 3 वर्ष के कोर्स के समापन के बाद सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, वह लगभग सभी सभी बड़े से बड़े अवार्ड को प्राप्त कर चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस, और वह इस सब के लिए एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एडिसन ने सॉरी एवलिन ने कोई हीरोइक अचीवमेंट को नहीं प्राप्त किया। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो और आप कहाँ जा रहे हो, यदि आपको यह सब पता होता है, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच सकते हो। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वह बहुत ही शीर्ष पर पहुँची। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी प्रिकॉशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स, वह हजारों वाद्य यंत्रों में कुशलता प्राप्त करके वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी प्रिकॉशनिस्ट, वह संसार की सबसे अच्छी वादक बनी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका जो है अंतर्राष्ट्रीय जो शेड्यूल होता था, कार्यक्रम होता था, वो बहुत ही भाग दौड़ भरा होता था। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।